हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है एक नए तरीके से मसूर दाल और अंडा का तड़का। वैसे मसूर दाल बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है, तो आज मैं बनाऊंगी एक और मसूर दाल का तड़का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है दाल को बॉईल करना। तो इसके लिए आप कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम मसूर दाल और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिला दे रही हूँ। नमक ऐड करने से मसूर दाल अच्छे से बॉईल हो जाता है जल्दी। और अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक देते हैं मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए दाल बॉईल हो चुका है, तो अब इसको अलग से रख देना है। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है एग को फ्राई करना। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अंडा और उसके साथ थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। और अब इस अंडे का भुर्जी तैयार करना है, तो 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते जाना है मीडियम फ्लेम पर। और फिर 2 से 3 मिनट बाद भुर्जी बनके तैयार हो जाता है। और ये देखिए भुर्जी बनके तैयार हो गया है, तो अब इसको भी कुछ देर के लिए अलग से रखना है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है तड़का लगाना। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें ऐड कर रही हूँ 2 तेज़पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा, साथ में 2 कटा हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज के प्याज का स्लाइसेस। तो अब इन सब को तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए, वो भी मीडियम फ्लेम पर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक का इस्तेमाल मैं यहाँ कम कर रही हूँ क्योंकि मैंने दाल में भी नमक का इस्तेमाल किया है और अंडा में भी नमक का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा कम नमक। और ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही अच्छे सा कलर आया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी तब तक फ्राई करना है जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हो टमाटर गल गया है, तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ बॉयल किया हुआ दाल को। और अब मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए दाल को पकने देना है। दाल को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंडा भुर्जी। भुर्जी ऐड करने के बाद बहुत ही धीरे से सावधानी से चलाना है और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए दाल को पकाना है। और ये हमारा एक दाल तड़का तैयार हो गया है। और अब लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दे रही हूँ, मिला दें इसको अच्छे से। और ये हमारी आज की रेसिपी एक दाल तड़का तैयार हो गया है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी पराठा के साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये आसान रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।